अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, EFI शॉर्ट कोर्स टोयोटा 4E का इंजन है, 4EFE, उसका आज इंशाल्लाह 10वां सबक है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा 26 पिन के बारे में। पहली भी वीडियो में मैं आपको दिखा चुका हूँ 26 पिन के बारे में। पहली वाली वीडियो अप साइड के बारे में थी, अभी मैं आज आपको पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह अज़ीज़ 26 पिन डाउन साइड के बारे में। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये डाउन साइड ऊपर लिखा हुआ है, ये ग्रिप बना हुआ है 13 पिन, ठीक है, और इसी तरह 13 पिन लिखी हुई हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं कि कंप्यूटर के अंदर इसकी जो लैंग्वेज है, इसके क्या लिखा होता है पिनों के ऊपर, देखते हैं जी। और नीचे वाली है जी डाउन साइड, डाउन साइड पे इसी तरह जी लिखा हुआ है RSO TE2 E2। आगे आगे लिखा है जी VTA, आगे VCC, सॉरी NC CF NE+ IPV KNK E1 H20 और HT, ठीक है जी। ये 26 पिन ग्रिप कंप्लीट हो गया जी। जी तो मेरे दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि कंप्यूटर के अंदर डाउन साइड पे एक साइड एक नंबर से जो शुरू हो रहा है, कैसे लिखा होता है RSO TE2 E2, तो अभी हम उसको लिखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि एक नंबर पे लिखा होता है जी डाउन साइड एक नंबर RSO, ठीक है। इसी तरह जो दो नंबर है उधर लिखा होता है जी TE2, तीन नंबर पे लिखा होता है जी E2, चार नंबर पे VTA, पांच नंबर पे VCC, छः नंबर पे NC, सात नंबर पे CF। ये हमारी तरजीहात में नहीं है ये दो जो हैं, क्योंकि ये आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह इनके बारे में। आठ नंबर पे है जी NE+, नौ नंबर पे है जी IPV, ठीक है, 10 नंबर पे है KNK, 11 नंबर पे है जी E1, 12 नंबर पे है जी H20, 13 नंबर पे है HT, ठीक है जी। ये इसके बारे में अभी आपको दिखाते हैं, पढ़ाते हैं कि ये दूसरा जिसकी ऊपर तस्वीर लगी हुई है, 4E का जो कंप्यूटर है जो मैंने पिक दिखाई है, उसमें जो ये 6 नंबर पे क्या लिखा होता है और फिर 13 नंबर पे क्या होता है, तो ये अभी आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, एक नंबर से हम शुरू करते हैं। तो पहले भी सारी वीडियो में जो ग्रिपों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, एक नंबर पे, दो नंबर पे, तीन नंबर पे पिन आउट क्या लिखा होता है, ठीक है। इसी तरह एक नंबर जो वायर है, ये जी चोक सेंसर की वायर है, आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व की, इसी तरह का ग्रिप होता है तीन तार वाला, ठीक है जी। एक नंबर पे जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं 26 पिन अप साइड पे, एक नंबर पे लिखा होता है जी RSE, ठीक है। इसी तरह चौक के एक नंबर पे आता है RSE, दो नंबर पे +B, तीन नंबर पे आता है जी RSO, ठीक है। इसी तरह ये वायर है, ये ऐसे आके लगेगी इस पे, ठीक है। इसको
IAT आइडियल एयर AC वी आइडियल एयर कंट्रोल वाल IACV आइडियल एयर कंट्रोल वाल। ठीक है जी, एक नंबर जो तार है ये इसके तीन नंबर पे लगती है जी, नंबरिंग में साथ कर देता हूँ, 1 2 3। ठीक है जी, इसी तरह जो दो नंबर है जी, दो नंबर डायग्नोज की वायर है, जो डायग्नोज ग्रिप होता है, डायग्नोसिस ग्रिप OBD1 में, वो पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ जी, तकरीबन इस चौरस टाइप का होता है। ठीक है, ऐसे उसके अंदर पॉइंट बने होते हैं, तो उसका जो ऊपर कवर है उसको जब उठा के देखते हैं, उसके अंदर लिखा होता है, एक जगह पे लिखा होता है जी TE2, तो ये वायर TE2 की इधर आके लगेगी। ठीक है, ये आगे आपको बढ़ाएंगे, ये इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो मेन स्टार्टिंग का या जो सेंसरों को समझना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसी तरह आगे जी E2, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, E2 एयर क्लीनर सेंसर जो होता है IAT, उसके बाद TP सेंसर, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, मैप सेंसर, ठीक है, ये उसमें E2 आता है, E2 लगा होता है, और वाटर सेंसर, ये जैसे ये है जी वाटर वाटर सेंसर, वाटर टेम्परेचर सेंसर, 1 2। इसी तरह ये ग्रिप है जी IAT एयर क्लीनर सेंसर, 1 2। आगे जी मैप सेंसर है, 1 2, 1 2 3। MAP मैप, ठीक है, और ये TP सेंसर है जी, इस जो ये वाला कंप्यूटर है इसमें तीन तार वाला TP सेंसर आता है, तो मैंने सबक में आपको चार तार वाला TP सेंसर पढ़ाया हुआ है, तो मैं चार तार वाला TP सेंसर ही आपको समझाऊंगा उसके बारे में, तीन वाला भी समझा देंगे, चार वाला भी समझाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। 1 2 1 2 3 4, इसको बोलेंगे जी TP सेंसर, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, TPS। ठीक है जी, मैप, ठीक है, IAT वाटर सेंसर। ठीक है, जो E2 है, E2 इन सब में तकरीबन ये वायर है, जैसे E2 की आ रही है ये इधर भी लगी होती है, वाटर वाटर में एक नंबर, एयर क्लीनर में एक नंबर, मैप सेंसर में एक नंबर, ठीक है, और TP सेंसर में एक नंबर, ये E2 है जी, E2 एक एक नंबर, E2 इसी तरह है, E2। ठीक है जी, E2 के बारे में समझ आ गई। वाटर सेंसर में, इंटीग्रेटेड टेम्परेचर सेंसर में, मैप सेंसर में, और थ्रॉटल पोजीशन सेंसर में एक एक नंबर, E2 एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। ठीक है जी, अब आ गया जी VTA। VTA ये थ्रॉटल सेंसर की वायर है, थ्रॉटल सेंसर चार वाला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो चार वाले में बताएंगे, एक एक दो तीन चार TPS। ठीक है जी, TPS में एक नंबर पे आते जी E2, दो नंबर पे लगा होता है जी IDL, जो फोरी आता है, जिसकी मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, जो
इस वीडियो के शुरू में तस्वीर लगी हुई है, मैं वो फौरी के कंप्यूटर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। उसमें आईडीएल ये 6 नंबर पे लिखा होता है जी, आईडीएल, ठीक है। और इसी तरह इसके 3 नंबर पे आता है जी वीटीए, 4 नंबर पे आता है जी बीसीसी, ठीक है। और ये जो वीटी है, वीटीए की वायर इधर लगेगी जी। टीपीएस में थ्रॉटल पोजीशन सेंसर में 3 नंबर, ठीक है। टीपीएस के बारे में बता रहा हूँ तो मैं उसकी दूसरी तरह वायर भी आपको बता देता हूँ। इसी तरह उससे नीचे वायर है जी वीसीसी, वीसीसी के बारे में आपको बताते हैं। ये मैप सेंसर में और टीपी सेंसर में जॉइंट लगी होती है। ये मैप सेंसर का ग्रिप है जी, एमएपी मैप, ठीक है। इसके एक नंबर पे E2, 2 नंबर पे PIM, 3 नंबर पे आ जी VCC। इसी तरह 4 नंबर वायर टीपी थ्रॉटल पोजीशन सेंसर के 3 नंबर पे लगेगी, और 5 नंबर जो वायर है ये VCC की, इधर भी लगेगी जी, और मैप सेंसर के 3 नंबर पे लगेगी। थ्रॉटल पोजीशन सेंसर में 4 नंबर और मैप सेंसर में 3 नंबर पे VCC, और कंप्यूटर में डाउन साइड में 26 पिन में 5 नंबर वायर, ठीक है जी। इसी तरह जो इसकी 6 नंबर वायर है, ये तो आपको समझ आ गई। मैप सेंसर को हटाते हैं जी, और ये दो वायर भी आपको समझ आ गई जी, E2 VTA VC आपको समझ आ गई। अब 26 पिन में डाउन साइड 6 नंबर वायर IDL, ये जो मैंने आपको दिखाई है वीडियो उसमें NC लिखा हुआ है, ये जिसकी मैंने आपको वीडियो दिखाई है जिस कंप्यूटर के बारे में, उसमें 3 तार वाला टीपी सेंसर आता है। वो 3 तार वाला ऐसे है जी, इस तरह की ग्रिप है, 1 2, 1 2 3 TPS, जिसकी मैंने आपको पढ़ाया है वीडियो में, दिखाया है कि उसके डाउन साइड पे कैसे लिखा हुआ है। उसमें सिर्फ इसी तरह का लिखा हुआ है, 3 नंबर से E2 VTA VC, फिर आगे NC लिखा हुआ है जैसे आप पहले देख चुके हैं। उसमें 3 तार वाला टीपी सेंसर आता है, उसमें एक नंबर पे लगा होता है जी VTA, 2 नंबर पे होता है जी E2, और 3 नंबर पे लगा होता है जी VCC। यह पहले भी देख चुके हैं कि ये VCC ऐसे, ठीक है जी, और VTA एक नंबर पे, और E2 पहले भी आपको दिखा चुके हैं कि E2 इधर आके लगेगा ऐसे, ठीक है जी। 3 तार वाला टीपी सेंसर भी आपको समझ आ गया। अभी 4 वाला भी आपको इस साथ साथ समझा रहा हूँ, अगर कंफ्यूज होए आप तो मुझे बताइएगा, बाद में भी आपको समझा देंगे। और इसी तरह जो आप कवर पिक्चर पे जो इसकी थंबनेल वाली पिक्चर है उसमें जो ECU की तस्वीर लगी हुई है, तो उसमें 6 नंबर पे लिखा था जी IDL, और उसमें 4 तार वाला TP सेंसर आता है जो मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है। उसके 6 नंबर पे IDL है जी, ये IDL 2 नंबर पे लगा होता है, ठीक है जी। इसी तरह CF को छोड़ दें जी, ये समझ आ गए, लॉन्ग कोर्स है ये समझने के लिए।
बाकी 8 नंबर वायर है जी CNE+। तो NE+ जैसे आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटर का ग्रिप है जी, चार वाला, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर ठीक है जी, 1 2 3 4, 1 नंबर पे आता है IGT, 3 नंबर पे आता है जी IGF, 4 नंबर पे आता है जी NE+, सॉरी 2 नंबर पे, और 4 नंबर पे आता है जी NE-। और ये जो 8 नंबर तार है, 26 फिन डाउन साइड 8 नंबर, ये इधर आके लगती है जी, ठीक है जी NE+ पे, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूटर का ग्रिप आपको समझ आ गया। अब आगे जी IPV, ये IPV पुर्ज कंट्रोल वाल है। पुर्ज कंट्रोल वाल दो तार वाला होता है, इस तरह का उसका ग्रिप होता है, ठीक है जी, एक और दो। एक नंबर पे होता है स्विच करंट, पुर्ज वाल है, और 2 नंबर वायर ये ऐसे लगी होती है जी, ठीक है जी IPV। आगे आगे जी KNK, नॉक सेंसर। नॉक सेंसर सिंगल तार वाला आता है जी 4E में, ठीक है जी। नॉक सेंसर ये वायर इधर लग जाएगी, जो अब मॉडल है XLI में, और उसमें दो तार वाला आता है, इस तरह का ग्रिप होता है जी उसका। एक नंबर पे अर्थ होता है E2, और 2 नंबर पे KNK। नाक वाले सबक में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये, ठीक है जी। आगे आगे जी 11 नंबर वायर, 11 नंबर पे लगा हो जाए होता है जी बॉडी अर्थ, ये माइनस है, इसको बोलेंगे बॉडी अर्थ, ठीक है जी। और 12 नंबर वायर है जी H20, इंजेक्टर की वायर है, इंजेक्टर टू, इंजेक्टर फोर। एक एक नंबर होता है जी स्विच करंट प्लस भी, और दो दो नंबर है ये H20 जी, इधर भी लगी होती है, इधर भी H20, ठीक है जी। 26 पिन में डाउन साइड 12 नंबर H20, ये इंजेक्टर की वायर है, जिस कंप्यूटर की मैंने आपको पढ़ाया है, जो दिखाई है मैंने तो वीडियो, उसमें HT लिखा होता है जी। HT है ऑक्सीजन सेंसर की वायर है, ऑक्सीजन सेंसर चार तार वाला होता है, उसमें ये HT वाली तार आती है जी। ये एक नंबर पे HT, जैसे 1 2 3 4, और जैसे आप OX वाले सबक में आपको पढ़ा चुका हूँ कि 3 नंबर पे OX होता है जी, और इधर माइनस है बढ़िया, और ये स्विच करंट, ठीक है। ये HT वाली वायर ऐसे आके इधर लगेगी जी, OX ऑक्सीजन सेंसर, ठीक है जी। और
साथ साथ मैं आपको दूसरे कंप्यूटर के बारे में पढ़ा रहा हूँ, वो भी F4E का कंप्यूटर ही, बस ये आगे मॉडल में फ़र्क है, वो डाउन मॉडल का है, उसकी तस्वीर भी कवर पे लगी है थंबनेल वाली, उसमें इधर 13 नंबर पे लिखा होता है जी अर्थ, बॉडी अर्थ E02, ठीक है, ये इसको बोलेंगे बॉडी अर्थ, ठीक है जी। उम्मीद है दोस्तों आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आई होगी, अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो इस वीडियो के बारे में, या आपको समझ ना आ रही हो, तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछ लें। बहुत शुक्रिया जी।